हेलो एवरीवन, मैं हूं शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है एस्पिरेंट्स के लिए जो भी इंतजार कर रहे थे कि कब फ्लीट मैनेजमेंट अपना फॉर्म रिलीज करेगी। तो हाँ, नोटिफिकेशन आ गई है, फ्लीट मैनेजमेंट ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि वो जल्द ही अपना टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उनके किस किस इंस्टीट्यूट में कितने सीट्स हैं फ्लीट मैनेजमेंट के लिए, कब कब टेस्ट होंगी और कहां पर होंगी, और एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप स्पॉन्सरशिप एंड आईएमसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अगर फ्लीट मैनेजमेंट की बात की जाए तो फ्लीट मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें 650 से ज्यादा शिप है। और अगर शिप की बात की जाए तो उनके पास हर तरह के शिप हैं, चाहे वो टैंकर हो, केमिकल टैंकर हो, गैस टैंकर हो, बल्क कैरियर हो, ये सभी टाइप के शिप्स फ्लीट मैनेजमेंट मैनेज करती है। और ये कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब अगर आपको अगर कोई ये बोलता है कि नहीं ये कंपनी बेकार है, इसमें वेटिंग पीरियड ज्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, फ्लीट मैनेजमेंट का वेटिंग पीरियड कुछ महीने पहले ज्यादा था, बट अब वेटिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कैडेट हो या फिर थर्ड ऑफिसर हो। फ्लीट मैनेजमेंट की एक और खास बात है कि यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। और अगर इंटरनेट की बात की जाए तो इनके पास बहुत सारे ओनर्स हैं, तो अलग अलग शिप पे अलग अलग इंटरनेट की फैसिलिटीज है। किसी किसी शिप पे तो फुल फ्री होता है, किसी शिप पे 4 घंटे की फ्री वाईफाई, फ्री इंटरनेट रहती है, कहीं 2 घंटे की, कहीं पे 1 GB पर मंथ, कहीं पे 500 MB पर मंथ, कहीं पे 6 GB पर मंथ। तो ये था फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं इनके प्रोसीजर के बारे में कि ये प्रोसीजर कैसे, कब और कहां से शुरू होगा। तो 26 मार्च 2023 को इन्होंने अपना ये नोटिफिकेशन निकाला कि ये लोग टेस्ट 3 जगह कंडक्ट करेंगे और इनके यहां से जो भी बच्चे स्पॉन्सर्ड होंगे वो 3 इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है IMI, इंटरनेशनल मेरीटाइम इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट है ये ग्रेटर नोएडा में है और इसमें फ्लीट मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप देगी 60 बच्चे को। मतलब 60 बच्चे जो हैं फ्लीट मैनेजमेंट के IMI से पढ़ेंगे और IMI में इनका टेस्ट प्रोसीजर होगा, सेंटर होगा, और इस सेंटर में ये सेंटर में एग्जाम होंगे आपको 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को एग्जाम होने के बाद फ्लीट मैनेजमेंट के गुरुग्राम ऑफिस में 26, 27, 28 अप्रैल को इनका इंटरव्यू होगा, जो भी बच्चे टेस्ट क्लियर करेंगे। 24 अप्रैल को ही इनका शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, जो बच्चे टेस्ट क्लियर करेंगे उनको 26, 27, 28 को गुरुग्राम ऑफिस का इंटरव्यू का मेल आ जाएगा। और फिर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मेडिकल होगा, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करें, दूसरा जो सेंटर है वो है TS रहमान। TS रहमान में इनका एग्जाम 2 मई को होगा। 2 मई को एग्जाम होने के बाद 4 और 5 मई को इनका इंटरव्यू होगा सीवुड में। सीवुड नवी मुंबई में है, इनका ऑफिस है, एक तरह से बोले तो इंडिया का मेन ऑफिस है। उसके बाद से TS रहमान में ये भेजेंगे टोटल 40 बच्चे, 60 बच्चे हो गए IMI में और 40 बच्चे हो गए TS रहमान में। उसके बाद से तीसरा इंस्टीट्यूट है वो है तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। अगर आपने नाम सुन रहा है तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का, तो तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीटाइम अकेडमी है। तो इसमें टीएस फ्लीट मैनेजमेंट भेजेगी 20 बच्चे और इनका जो टेस्ट प्रोसीजर है वो 8 मई को टेस्ट होगा एंड 10th और 11th को इनका इंटरव्यू होगा, वो भी सीवुड में। तो ये थे टोटल 3 सेंटर, 60 IMI में, 40 TS रहमान में, 20 TMI में। मतलब टोटल 120 बच्चे लेने वाली है फ्लीट मैनेजमेंट और ये मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे ज्यादा इनटेक होगा आफ्टर एंग्लोस्टन। एंग्लोस्टन सबसे ज्यादा लेती है, 160 बच्चे लेती है अगस्त बैच में, उसके बाद फ्लीट मैनेजमेंट इस बार ले रही है 120 बच्चे, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और अगर बात करें कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है,
तो एलिजिबिलिटी में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, जैसे ही आप उनका लिंक ओपन करेंगे वहां पर आपको दिखेगा कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इनकी एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है क्लियर कि जो भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो 1 जुलाई 2003 के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2023 तक उनका एज 20 से नीचे होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2003 भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, आपका एज 1 जुलाई 2003 के बाद होना चाहिए। और ये रहा था एज के। अगर बात करें पीसीएम परसेंटेज की, तो पीसीएम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है आपको 70% होना चाहिए। अगर आपके पास 69.9% भी है पीसीएम में तब आप एलिजिबल नहीं है, मतलब 70% पीसीएम होना चाहिए। और साथ ही साथ इंग्लिश में मार्क्स भी आपका 70 के अबव होना चाहिए। अगर 69 मार्क्स भी है तो आप एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद से आ जाएं तो और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर आप 2022 और 2023 में 12 दे रहे हैं, 2022 में पास आउट हैं या फिर 2023 में एलिजिबल हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो उससे पहले के अगर आप पास आउट हैं तो अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था इनका इयर्स का। और इन्होंने एक और चीज क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर आपका 10th और 12th के बीच में 2 साल से ज्यादा का गैप होता है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर आपने 10th 2020 में किया है तो आपको 12th 2022 में होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपने 10th 2019 में किया है, 12th 2022 में, मतलब 2 साल से ज्यादा का गैप है, 3 साल का गैप है, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ओपन बोर्ड वाले या फिर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाले जो भी हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम से 12 पास किया है, वो भी एलिजिबल नहीं है इनके यहाँ। और भी इन्होंने कुछ कुछ और भी मेंशन कर रखा है, सो वो सब अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन करेंगे, लाइक हाइट का है कि हाइट रिक्वायरमेंट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, कलर आईज में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बीएमआई 25 के नीचे होना चाहिए, मतलब 18 to 25 होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब उन्होंने और भी कुछ कुछ मेंशन कर रखा है कि अगर आप मान लीजिए आप अगर ये सोच रहे कि मैं पहले दिल्ली में जाके एग्जाम दे दूंगा, 24 तारीख को अगर मैं फेल हो गया तो फिर मैं मुंबई जाके एग्जाम दे दूंगा, तो उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि जो बंदे एक बार एग्जाम दे देंगे वो दोबारा हमारे कंपनी में अपीयर नहीं होंगे, इस बार उनको नेक्स्ट बैच का वेट करना पड़ेगा। तो आप भी होशियार बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो पैसा भी वेस्ट होगा और रिजेक्शन भी मिल जाएगा। सो ये था आपका फ्लीट मैनेजमेंट का सारा क्राइटेरिया। फ्लीट मैनेजमेंट के टेस्ट कैसे होते हैं, इंटरव्यू कैसे होते हैं, इस पे हम लोग एक वीडियो जरूर बनाएंगे। और एक चीज और बता दें, हमारा आईएमयू मेट जो है, अगर आपने नाम सुना होगा आईएमयू मेट हम लोग स्पॉन्सरशिप एंड आईएमयू सिटी की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अगर आपको फ्लीट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा बैच ज्वाइन करें। 6 अप्रैल 2023 से हमारा स्पॉन्सरशिप का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका फी होगा ओनली 2500, मतलब 2500 रुपए में आपको स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। और अगर आपको रिजल्ट की बात बता दे तो फ्लीट मैनेजमेंट में पिछले साल अगस्त बैच में 5 से 6 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे, और इस बार अभी फेब बैच में फ्लीट मैनेजमेंट मुश्किल से 10-11 बच्चे ही ली थी, उसमें से 5-6 बच्चे हमारे थे आईएमयू मेट के। तो अगर आपको भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है स्पॉन्सरशिप के लिए तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे और अपना एडमिशन प्रोसीजर जान सकते हैं। और डिले ना करें, जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें ताकि हम लोग आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दें। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।